मेन बिल्डिंग वन में मैंने उस मॉन्सर को डिफीट किया था एंड उस लड़की को भी बचाया था जो ज्यादा बहुत ही ज्यादा बोल रही थी, ठीक है, हद से ज्यादा बोल रही थी। वो समहाउ मैंने उसे बचा लिया, ठीक है ना, अदरवाइज वो मर जाती है ना। मैं तो अगर मेरा मूड रहता ना, कसम सही बता रहा, मैं उसको बिल्कुल नहीं बचाता। किसका बच्चा खो गया, ये कट लिया ये तो बिल्कुल तेजी नाल। हे बड़ी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो एंड आज मैं फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ वाइट डेज। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मेन बिल्डिंग टू में एंटर किया है हम लोगों ने, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। हमें यहाँ पे बहुत सारा एक्सप्लोर करना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट। अटेंशन ऑल टीचर्स वर्किंग नाइट शिफ्ट, द पासकोड ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस हैज़ बीन चेंज ड्यू टू एन रीसेंट लीक ऑफ प्रीवियस पासकोड। अच्छा ठीक है, द पासकोड इज ऑन द चॉक बोर्ड इन द स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफिस रिटन विद द स्पेशल चॉक। द प्रिंसिपल डज नॉट अप्रूव द अदर एंटरिंग हिज ऑफिस वाइल ही इज अवे। प्लीज यूज द पासकोड ओनली इन केस ऑफ एमरजेंसी और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली प्रिंसिपल ने अलाउ नहीं कर रखा कोई भी थर्ड बंदा आके उसके ऑफिस को चेक करे, ठीक है, जिसके पास पासकोड होगा सिर्फ वही चेक कर सकता है। लेकिन हम हैं हरामी लौंडे, हम तो जाके स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफिस में जाके चेक करेंगे, वहाँ हमें पासकोड मिलेगा एंड उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफिस एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखो और कुछ है यहाँ पे, व्हाट इज दिस, कौन रो रहा है? हेलो हेलो मैडम, कैसे, क्या हो गया आपके साथ? इतना नहीं रोते, ठीक है ना, क्या हो गया? छोड़ो उसे, पता नहीं वो फ़ोन पे ऐसी कान खा रही है बिल्कुल। चौक मिला मुझे, सो ये वही वाला चौक है। एक और डॉक्यूमेंट, ओरिएंटल स्टडीज, इंटरेस्टिंग थ्योरी ऑफ फाइव एलिमेंट, टीचर वाइस प्रिंसिपल सैंग ओनली। द थ्योरी ऑफ फाइव एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ अ साइकिल ऑफ हार्मोनी एंड अवर्जन, हार्मोनी बीइंग एन एनर्जी एडिड एंड अदर एनर्जी टू फ्लो बेटर एंड इट इज फॉरवर्ड मूवमेंट इन द साइकिल। इन कॉन्ट्रास्ट, अवर्जन इज व्हेन एन एनर्जी इज गोइंग अगेंस्ट अदर एनर्जी टू ब्लॉक इट्स फ्लो and is a backward movement in the cycle. Okay, the flow of aversion is as follows: metal, wood, metal can cut through wood, wood, earth, wood takes nutrients from earth, earth, water, earth can block water from flowing. Okay, water extinguishes fire, fire metal as fire metal. पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मेरे समझ भी नहीं आ रहा, मेरे को पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा। अगर ऐसी चीजें लिखी रहेंगी तो कौन ही पढ़ेगा, ठीक है, literally fire metal wood earth, क्या सेंस बनाती है ये चीज? But still ये डॉक्यूमेंट किसी ना कहीं काम आने वाला है। होपफुली ये डॉक्यूमेंट कहीं भी काम ना आए तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं नहीं पढ़ सकता ऐसे वर्ड्स वगैरह, ठीक है, क्रिएट फायर एंड द साइकिल रिज्यूम्स वगैरह 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 वगैरह। साइकिल रिज्यूम्स फ्रॉम द फर्स्ट इन द साइकिल ऑफ हार्मनी, देयर इज अ हिडन प्रिंसिपल दैट ऑल रॉन्ग्स विल बी राइटेड, दिस कैन बी सेड टू बी अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द डेप्थ ऑफ ईस्टर्न फिलॉसफी। सही बताऊँ ना, मेरे कुछ समझ नहीं आया इस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या था। अर्थ, वाटर, ये सारी चीज़ें ही लिखी हुई थी, समझ ही नहीं आया मेरे। खैर यहाँ पे इन फोटोज़ का भी कुछ मतलब है या फिर हो गया, चेक हो गया ना, ये फैकल्टी ऑफिस वन हमने चेक कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ है। कौन सा रूम है मुझे ये तक नहीं पता, ठीक है, जस्ट मैं जा रहा हूँ चेक कर रहा हूँ। एक और डॉक्यूमेंट, ट्रूथ फाइंडर, लेट्स लर्न अबाउट मोर्स कोड इज अ कम्युनिकेशन कोड इन्वेंटेड बाय एंड डेवलप्ड बाय सैमुअल फाइनली बीज मोर्स दैट कैन कंपोज एंड सेंड सेंटेंस यूजिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग सिग्नल्स। इट इज कंसीडर्ड द मोस्ट बेसिक इमरजेंसी कम्युनिकेशन डिवाइस ड्यू टू द फैक्ट that you can communicate using a very simple signals. As Morse code is composed of short as long signals you need, you do not need a special device to communicate as long as you can express it. For example, you may send message by controlling the speed at which you blink or tap with your fingers. For this characteristic, it appears often in the books, movies, where the main character in danger uses it to secretly send message without being found out by the enemy. Okay. The original Morse code requires that you pause about 3 short signals between sending a text, but depending on the situation, it is possible to send signal continuously. In such cases, you want to analyze it in sections spoken using the same number as the signals. Okay. For example, if it is a number, तो बेसिकली इस नोट में यही लिखा है कि मॉर्स कोड जो है उससे हम किसी थर्ड बंदे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्ग शॉर्ट सिग्नल्स हर जगह कम्युनिकेट कर सकते हैं, तुम समझ जाओ बस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ नंबर, एवरी नंबर 5 एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी, छोड़ो, फॉरगेट इट। सिर्फ यहाँ पे क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड रूम की, ये सेकेंड फ्लोर पे है ना, एक बार मैप चेक कर लेता हूँ मैं। सेकेंड फ्लोर पे, यस, एंड में है ना, जस्ट इधर सीढ़ियों से चढ़ के जाना है एंड एंड में लॉस्ट एंड फाउंड रूम की है वहाँ पे। जब इस तरह से गेम स्मूथली प्रोग्रेस होती है ना, जब सारी चीज़ें तुम्हें ईजिली मिलती चली जाती हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, फिर मगजमारी नहीं करनी पड़ती इतनी तुम लोगों को, वरना इतना मच होता है। कैफीन एंड टीनेजर्स, कॉफी इज द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज कंटेनिंग कैफीन, मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ कैफीन कैन स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्व सिस्टम बूस्टिंग वर्क परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस फटीग। या आई नो, ऑन एवरेज consuming more than 400 milligrams is recommended to enjoy the health benefit. A cup of coffee contains approximately 100 grams of caffeine. Okay,
इतना कैफीन होता है उसमें। रेगुलर कंजम्पशन ऑफ कैफीनेटेड प्रोडक्ट्स लाइक कॉफी कैन लीड टू कैफीन एडिक्शन एंड इवेंचुअली कॉज विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स मतलब, एक मिनट रुको सर्च करके आता हूँ मैं क्या है ये कॉमन विड्रॉल सिम्टम्स। अच्छा ठीक है ठीक है, फटीक, नर्वस, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, हेडेक वगैरह विड्रॉल सिस्टम्स में आते हैं। ठीक है, कुछ तो सीखने को मिला आज अभी मुझे। ठीक है, हाउएवर हार्मफुल प्रॉपर्टीज ऑफ द कैफीन इन इटसेल्फ आर नॉट वर्सम, इट इज व्हेन कैफीन कंज्यूम्ड इन एक्सेस दैट कैन और दैट इट बिकम्स अ हेल्थ हैजार्ड। ओवर कंजम्पशन ऑफ कैफीन लीड टू द ऑनसेट ऑफ हार्मफुल सिम्टम्स एंड कंटिन्यूअस कंजम्पशन कैन लीड टू डेथ। ओके, फॉर एडल्ट्स द लीथल डोसेज ऑफ कैफीन इज 150 मिलीग्राम पर केजी फॉर अबाउट 50-200 कप्स ऑफ कॉफी। द लीथल डोज इज मच लोअर फॉर चिल्ड्रन एंड टीनएजर्स। कैफीन इज आल्सो नोन टू कॉज बर्थ defects like alcohol and nicotine. Caffeine is a drug which caffeine is a drug with addictive properties, but unlike the others it does not have do not have any age restrictions, therefore emergency kit required. Pick kar li maine, and isme kuch hai is jacket mein. Okay, student department office ki, so प्रिंसिपल ऑफिस का जो लॉक है पासकोड वो मुझे वहीं से मिलेगा स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफिस से। एंड ये लेंस आई मीन ये ग्लास पासवर्ड है कोई ये या फिर कुछ तो है वो। यहाँ पे क्या है, जिम टीचर्स कैप। ओके, सो अ रेड कैप दैट रिसेंबल अ ड्रिल्स इंस्ट्रक्शंस एंड इट प्रोबेबली जिम टीचर्स कैप। ठीक है समझ गए। अभी और कुछ है इस रूम में? मुझे नहीं लगता अभी इसमें और कुछ बचा है। चलते हैं अभी, लेट्स गो। और कहाँ कहाँ चेक कर रहे हैं? यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर अपना पूरा क्लियर हो चुका है जस्ट उस प्रिंसिपल ऑफिस को छोड़ के। ठीक है, अब मैं जाने वाला हूँ ऊपर। फेल टिप पेन मिलता है, बहुत ज़रूरी है, उठा लो इसे। एंड या मैंने जैसा कि तुम लोगों को बोला था पिछली बार, जो फर्स्ट मेन बिल्डिंग में मैंने जितने भी सारे काम किए हैं ना, बिना कोई भी नोट्स वगैरह नहीं पढ़े, मैंने जस्ट इधर उधर खेलता रहा हूँ एंड बहुत मगजमारी करनी पड़ी थी मुझे। ठीक है, तो उसके बाद मैं ना एक बार सारी चीज़ें एक बार यहाँ देख लेता हूँ कि मेरे पास है क्या क्या और मुझे चाहिए क्या क्या। ऊपर जाना है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। या इस बार मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ूंगा जिससे मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसा कि अभी मुझे पता चला स्टार्टिंग में ही प्रिंसिपल ऑफिस का जो पासकोड है वो मुझे स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफिस में मिलेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। सो चलते हैं अभी इस वाले गेट पे एंड ये जा सकता हूँ मैं। ओके, कुछ है यहाँ पे लाइट? अबे लाइट्स ऑन करना या फिर हाँ लाइटर, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, क्या पढ़ा है? लाइटर जलाना, लाइट ऑन कर मेरे हिसाब से। लाइट ऑन करूँ? छोड़। ट्रीजर हंट, आई फाउंड आउट ऑफ न्यू सीक्रेट अबाउट द म्यूजिक टीचर हिडन ट्रीजर। वन ऑफ द पेंटिंग्स इन द मेन बिल्डिंग इज सेड टू हैव अ की इनसाइड इट दैट अनलॉक्स द रूम। आई एम सो क्लोज टू विनिंग दिस ट्रीजर हंट दैट आई कैन ऑलमोस्ट टेस्ट इट। ओके, सो यहाँ पे पिक्चर्स, आई मीन मुझे पिक्चर्स कलेक्ट करके यहाँ लगानी पड़ेगी क्योंकि वो आधी है पिक्चर अभी। ठीक है, आधी अधूरी पिक्चर है। आई थिंक उसके पीसेस मिलेंगे मुझे तब जाके मैं यहाँ जॉइंट कर सकता हूँ इन पिक्चर को। हाँ, समबडी टोर ऑफ द रेस्ट ऑफ द पिक्चर्स। ओके, सो और इधर स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफिस है ये ऑफकोर्स, क्योंकि हाँ सेकेंड फ्लोर पर ही था वो तो। और लॉस्ट एंड फाउंड रूम की तो एकदम की कह रहा हूँ मैं, लॉस्ट एंड फाउंड रूम एकदम लास्ट में है तो ये स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफिस ही होना चाहिए। यहाँ पे कुछ है, फेल टिप पेन एक बार और भी कुछ है इधर? ये वाला लॉक क्या हो सकता है इसका पासवर्ड? आई डोंट नो, अभी तक ऐसा कोई क्लू नहीं मिला मुझे कि मैं इसमें पासवर्ड पासकोड वगैरह डालूँ। एंड यहाँ पे आई टेस्टिंग लेंस। ओके, सो ये लेंस मैं उस नीचे जो ग्लास पड़ा था वहाँ लगा सकता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे यही है वो पासकोड जो कि ब्लैक बोर्ड पे इस ग्रीन बोर्ड पे है। एक बार मैं ना नोट चेक कर लेता हूँ कौन सा वाला था। हाँ नहीं, ये वाला नहीं था बे। वो नोट किधर गया अभी? ट्रीजर हंट नाम से नहीं था वो? नहीं, ये भी नहीं है। मैं नोट्स वगैरह यहाँ पे ढूंढ ही रहा था, मेरे को मिला भी नहीं। और यहाँ पे ये जापानीज़ में लिखा हुआ है या कोरियन में लिखा हुआ है, मेरे समझ भी नहीं आएगा, मैं कैसे समझूँ मैं? ये है क्या? इफ़ अगर मैं ये नंबर से देखूँ तो पहला वर्ड मुझे 2 लग रहा है ना, एंड उसके बाद जो सेकंड वाला है वो 8 है मे बी, एंड जो थर्ड है वो 4th से कुछ मिलता जुलता लग रहा है क्योंकि ऊपर का वो जो बिंदु बन रखा है बड़े उसमें वो, एंड जो लास्ट वाला है वो 1 है। ठीक है, तो इट मीन्स 2841 ये पासवर्ड है, 2841। ठीक है, मेरे माइंड में तो अभी यही चीज़ ट्रिगर हो रही है कि ऐसा ही होना चाहिए कुछ सीक्वेंस।
और अदरवाइज इनको यहाँ पे कुछ क्या करना है, क्योंकि कोरियन तो मेरे समझ आ नहीं रही है इन नंबर्स के हिसाब से। अगर मैं देखूँ तो यही बन रहा है पासवर्ड, ठीक है, इन सिंबल्स के हिसाब से देखूँ, क्योंकि ऊपर वो जो टी बना हुआ है उसके ऊपर एक छोटा सा छोटी सी डंडी दे रखी है, वहाँ पे टू पे देखो तुम लोगों दिखेगा वो चीज़, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके ना मिलाया है इन सब चीज़ों को। लेट्स सी, अभी मैं जाके बाद में देख लूँगा, पहले ये वाला फ्लोर चेक कर लेता हूँ, मैं लॉस्ट एंड फाउंड रूम भी चेक कर लेता हूँ, एंड उसके बाद देखा जाएगा। चलते हैं फिर, प्रिंसिपल ऑफिस भी अनलॉक करेंगे। इधर क्या कुछ है, अनलॉक कर इसको भी, एंड आई अनलॉक्ड इट। यस, ये रहा। छोरे कहाँ से आया है तू, मम्मी पापा नहीं ढूंढ रहे तुझे? ये इस डॉल को क्यों देख रहा है, आई मीन है कौन वो, और मैं उसे ग्रैब कर सकता हूँ क्या? फेल्टिप पेन एक बार फिर से, वो डॉल मैं ग्रैब नहीं कर सकता। डॉक्यूमेंट द स्टेशनरी पेपर फॉर प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट सेइंग गुडबाय इन पर्सन, आई एम बीइंग फोर्स्ड टू लीव ऑल बिकॉज़ ऑफ अ सिक रूमर, शुड यू हियर अ रूमर अबाउट मी प्लीज डू नॉट पे एनी अटेंशन टू इट, इट इज अ स्टोरी मेड बाय पीपल प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, वंस आई लीव आई एम श्योर आई विल बी बोर्ड बिकॉज़ देयर विल बी नो वन लेफ्ट टू एंटरटेन योर रिडिकुलस थ्योरीज एंड आइडियाज फॉर मी, आई विल बी सैड बिकॉज़ देयर विल बी नो वन टू अंडरस्टैंड माय वर्ल्ड ऑफ आर्ट, टू ईज द सैडनेस ऑफ सेइंग गुडबाय आई एम लीव यू अ फेयरवेल गिफ्ट, इट इज माय पेंटिंग ऑफ यू होल्डिंग योर फर्स्ट आर्ट पीस, आई थिंक यू सेड यू क्रिएटेड दैट पीस टू हाइड समथिंग इंपॉर्टेंट, राइट, एम आई राइट? ओके, सो और कुछ, एनीवेज आई विश यू गुड लक एंड गुड लक विश कर दिया इसने, ठीक है। ये इस लड़के ने, देयर इज अ स्टैक ऑफ अनक्लेम्ड आइटम्स कलेक्टिंग डस्ट, ये जो वास है वो मुझे लेके जाना था, लेकिन अभी मैंने पिक्चर्स कलेक्ट नहीं करी हैं तो वो मैं उठा नहीं सकता, और ये जेनिटर, इससे थोड़े मजे वगैरह लेता हूँ, ठीक है, जैसे तैसे बच के निकलता हूँ यहाँ से मैं, क्योंकि ये पता नहीं किया क्यों पीछे पड़ा रहता है, मेरे को तो समझ नहीं आता। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे कोड डालने, जो मैंने याद किया था, ठीक है, मैंने कोड्स वगैरह डाले 1482, मैंने हर एक चीज़ चेक कर ली, ठीक है, आई मीन जो भी कोड मैंने वहाँ पे बनाया था 2481 है ना, उस हिसाब से मैंने हर एक नंबर को आगे पीछे करके देख लिया, लेकिन नहीं हुआ कुछ। उसके बाद मैं दोबारा से आता हूँ ये कोड देखने के लिए, ठीक है, तो बेसिकली यही होना चाहिए ना, पहला तो 2 है, ठीक है, एंड दूसरा 8 है, थर्ड वाला जो है वो है 4, एंड जो लास्ट है वो 1 है, ठीक है। इस बार मैं यही डालने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार जो डाला था 2841 नहीं डाला मैंने, बल्कि उसे छोड़ के सारे कोड्स डाल दिए मैंने, ठीक है, 2841 को छोड़ के मैंने हर एक कोड डाला है, और या नहीं खुला वो, एंड आई होप इस बार ज़रूर खुल जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ देखते हैं कहाँ गया, ये रहा 2841, नहीं 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 1 नहीं है, 2841 डाल, ठीक है, 2814 मत डाल। यस, मैं बोल रहा था तुम लोगों को यही कोड होगा, लेकिन मैंने पिछली बार किया क्या था, 2841 मैंने स्टार्टिंग में याद तो रखा था, लेकिन मैंने ये वाला कोड ना डाल के उल्टी सीधी हरकतें करी थी, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत हो। वाटर डिसकनेक्शन रिपोर्ट, द वाटर टू द मेन बिल्डिंग हैज बीन डिसकनेक्टेड ड्यू टू एन अनडिटरमाइंड रीजन, हाउएवर अ सिंगल सिंक इन द साइंस लैब ऑफ थर्ड फ्लोर ऑफ मेन बिल्डिंग 2 स्टिल हैज रनिंग वाटर, द स्टूडेंट्स सीम टू फाइंड दिस डिस्टर्बिंग, अ मेजर रिपेयर विल बी ओके। सो थर्ड फ्लोर पे जो मेन बिल्डिंग में साइंस लैब है वहाँ पे पानी की सप्लाई ऑन है अभी तक, ठीक है। यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट है, द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, नहीं पढ़ना मुझे, ये भी सारी चीज़ें पॉइंट्स में लिखी रहती है ना, मेरे से नहीं पढ़ी जाती, ठीक है, एक पैराग्राफ दे दो, आई मीन वो थोड़ा सा ठीक लगता है पढ़ने में, आई मीन ये पॉइंट्स में रहती हैं, फिर इसमें ना बहुत मगजमारी होती है। ओके, सो ये कोड है कोई, आई मीन ये जो था, फिर मैं चारों तरफ ना एक बार घुमा के एग्जामिन करता हूँ इसे, एंड मैंने एक चीज़ नोट करी, अब तुम लोग पूछोगे क्या थी वो चीज़, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइट बंद कर दूँ, क्योंकि जेनेटर कभी भी आ सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कैसे भी आ जाएगा वो। और तुमने एक चीज़ नोट करी, देखो मैंने ना एक चीज़ नोट करी है यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट रुको पहले बताता हूँ, देखो अब लाइटर जलाना क्या कर रहा है पंकज तू, आई कांट सी एनीथिंग, इट्स टू डार्क, ठीक है। मैं वो जेनेटर मेरे जस्ट सामने वाले कॉरिडोर में ही है, गेट के जस्ट उस साइड, और मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ा जाऊं, इस वजह से चुपचाप बैठा हुआ हूं मैं, ठीक है, ठीक है। मुझे पता है तुझे कुछ नहीं दिख रहा, आई मीन हाँ मुझे सब कुछ दिख रहा है, सिर्फ इसको नहीं दिख रहा, इसके पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो सच में इसे नहीं दिख रहा, ठीक है, और मैं फालतू में इधर उधर कर रहा हूं। देखो अभी ये चीज़ जो है ना, ये पज़ल है, ठीक है, इसको मैं इस साइड में घुमाऊंगा, क्योंकि पीछे जो और भी इस तरह के सिंबल्स थे वो एक ही रो में थे, आई मीन ऐसे कुछ कुछ ऐसे पे, ठीक है। तो जस्ट मैंने इन्हें ऐसे घुमाया और हो गया काम मेरा, क्या बात है।
सिर्फ तुक्का मारा मैंने यहाँ पे एंड या कुछ हुआ अभी। ये क्या है? वीडियो टेप। ओके सो यहाँ पे प्ले करनी है मुझे। जेंडर बाहर ही घूम रहा है अगर सच में आ गया वो। अबे मारा, अबे हट जा, एक डंडा मार ही दिया आखिरकार इसने। निकल यहाँ से, एक बार फिर से इसको ऊपर तक लेके जाओ फिर वापस आओ। बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता है मुझे। एक तो ये पीछा ना छोड़े बिल्कुल भी, ठीक है। और इसमें ना मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई है, हेल्थ रिस्टोरेशन का जो भी है, ठीक है, आई मीन वो सोय मिल्क मिलता है एंड एमरजेंसी किट है मेरे पास, वो जब एट द एंड बिल्कुल मरने वाली हालत होती है तब यूज़ कर सकता हूँ मैं उसे, लेकिन सोय मिल्क एंड कैफीन का क्या सीन है वो चीज़ नहीं समझ आई मुझे। उसके बाद मैं जनरेटर को एकदम फोर्थ फ्लोर पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे मुझे ऊपर एक लव लेटर भी मिल जाता है, पता नहीं किसका था। एंड अगेन मैं फिर से वापस आता हूँ अपने इस प्रिंसिपल ऑफिस में एंड इस बार मैं वो वीडियो टेप प्ले करने वाला हूँ। सो मूवी चल गई अभी। ओके ये तो जस्ट मेरे बगल वाला रूम है ना, या फिर कौन सा रूम है ये? सेकंड फ्लोर पे है। चुपचाप देख पहले है क्या इसमें, कर क्या रहा है वो? उसने वहाँ पे मे भी कुछ रखा या फिर वहाँ से कुछ उठाया है ना। ओके फैकल्टी ऑफिस में कुछ है। ओके जेनेटर वापस आ गया। खैर छोड़ो, मैं तो वहाँ से कट के आगे जाता हूँ सीधा साइंस लैब में। अभी देखो यहाँ पे कुछ है वो, व्हाट इज दिस भाई? तो कुछ दिख भी नहीं रहा, इतना अंधेरा हो रहा है इसमें। डॉक्यूमेंट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट, ये जो भी नाम दिखाई से छोड़ के मैं आगे फादर पास अवे व्हेन शी वाज यंग, सो फॉर फैमिली स्ट्रगल विद मनी। ओके बट फैमिली एज एक्सपेक्टेड टू गो टू वोकेशनल हाई स्कूल एंड स्टार्टिंग मेकिंग मनी एज सून एज पॉसिबल। नाउ फर्स्ट एट एस्केपिंग पॉवर्टी, ऐसा कुछ है। सो अगेन सर फैमिली विशेस शी डिसाइड टू अटेंड अ रेगुलर हाई स्कूल, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी होता है क्या? मतलब ठीक है, सो ये जस्ट पढ़ा, मतलब अभी फालतू के पास आ रहा है इन हाई स्कूल। नाउ फर्स्ट एट एस्केपिंग टू गो टू वोकेशनल हाई स्कूल, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी होता है क्या? मतलब ठीक है, सो ये जस्ट पढ़ा, मतलब अभी फालतू के पास आ रहा है इन हाई स्कूल। नाउ फर्स्ट एट एस्केपिंग टू गो टू वोकेशनल हाई स्कूल, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी होता है क्या? मतलब ठीक है, सो ये जस्ट पढ़ा, मतलब अभी फालतू के पास आ रहा है इन हाई स्कूल। नाउ फर्स्ट एट एस्केपिंग टू गो टू वोकेशनल हाई स्कूल, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी होता है क्या? मतलब ठीक है, सो ये जस्ट पढ़ा, मतलब अभी फालतू के पास आ रहा है इन हाई स्कूल। नाउ फर्स्ट एट एस्केपिंग टू गो टू वोकेशनल हाई स्कूल, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी होता है क्या? मतलब ठीक है, सो ये जस्ट पढ़ा, मतलब अभी फालतू के पास आ रहा है इन हाई स्कूल। नाउ फर्स्ट एट एस्केपिंग टू गो टू वोकेशनल हाई स्कूल, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी होता है क्या? मतलब ठीक है, सो ये जस्ट पढ़ा, मतलब अभी फालतू के पास आ रहा है इन हाई स्कूल। नाउ फर्स्ट एट एस्केपिंग टू गो टू वोकेशनल हाई स्कूल, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी होता है क्या? मतलब ठीक है, सो ये जस्ट पढ़ा, मतलब अभी फालतू के पास आ रहा है इन हाई स्कूल। नाउ फर्स्ट एट एस्केपिंग टू गो टू वोकेशनल हाई स्कूल, ठीक है। सो ऐसा कुछ She and her family would want to live in poverty forever if she did not figure out a way to beat Soyeon and become a top student. So she threw herself into her studies more, even more ever before. She had deserved and studied so hard that she felt like her eyes would bore a hole to textbooks. Okay. Finally, the exam she had prepared so much for was over. All her classmates complained that the exam was too difficult. She sat back in chair and smiled, believing that she had aced it. I will finally beat her this time. No, he closed. Okay. At last, the day. देखो जो भी चीजें छूट जाएंगी ना मेरे से, इस बात को ये नहीं पढ़ा नहीं, पढ़ लिया मैंने, एक नजर डाली उनके क्या दिखा था, रीड किया वो चीज बैठने लगी, रीड किया यानी क्या वो चीज बैठने लगी, ठीक है, जैसे एक नजर पड़ी, ठीक है, पता चल गया वहाँ पे. She turned to look at Soyeon and saw her smiling brightly with her friends. Okay. She had lost to her again. No, he was so stunned after this that she could not focus during any of her classes. Only the thing filled her mind, and it was so yawn. Yawn, kya kya pronounce unhe isko? How the hell could she beat me every time? It must be the expensive private lessons, but I don't have that kind of luxury. This means I could never be her idol. Over now. We will just have to live in poverty forever. No, he from the trauma of her stress, development of mental disorder, and ending up killing herself. Rumors spread after her death that the ghost had begun to appear in the library. It is said that if you remain in the library to study until midnight, a girl will glare at you with her chin resting on her hand before suddenly disappearing. So at the end, this ladki ne apne aap ko khud ko maar liya. ठीक है, आई मीन एट द एंड इस लड़की ने खुद को मार लिया, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी वजह से कि उसके मार्क्स उस दूसरी लड़की के मार्क्स से ज़्यादा नहीं आ रहे थे। प्रिजर्व्ड स्पाइडर, ओके कहाँ यूज होगा ये? मे बी यहाँ पे जो वेट्स वगैरह मुझे मिले हैं ना, इसी में यूज़ होने हैं, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्स में लिखा था, स्पाइडर के वाले डॉक्यूमेंट्स में लिखा था यार, मेरे को मिला था अभी एक। आठ रूम, फोर्थ फ्लोर पे हूँ मैं अभी। ओके सो ठीक है, तो फिर मैं फोर्थ फ्लोर से डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता हूँ उस प्रिंसिपल ऑफिस में, क्योंकि मुझे वो दूसरी टेप भी प्ले करनी थी जो दूसरी स्क्रीन है वहाँ पे, उसमें और भी कुछ मिल सकता है मुझे मे बी, ठीक है। तो मुझे वो दूसरी वाली स्क्रीन और वो वीडियो प्ले करनी थी, इस वजह से मैं नीचे आके इसको प्ले कर देता हूँ। लेट्स सी क्या है इसमें। ओके सो ये जस्ट मेरे, नहीं ये गलत है, गलत ये तो मैं फिर मरा ही मरा ना, वो तो डायरेक्ट अंदर आ जाएगा क्योंकि उससे पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, है ना, उसे पता है, उसे भी ये चीज़ मालूम है कि मैं यही इसी आई मीन इसी रूम में हूँ, ठीक है। और वो दरवाज़ा पीट रहा है बाहर, छुपूंगा तो अगर मैं बच जाऊँगा यहाँ पे, अगर मैं छुपा रहा हूँ यहाँ पे तो टेबल के पीछे, अभी तक तो नहीं आया वो।
प्लीज 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 अंदर मत आइयो तू, ठीक है ना? ठीक है, आई थिंक हाँ उसने दरवाज़ा पीटना बंद कर दिया एंड वो जा रहा है शायद, वो अंदर नहीं आया, सेफ। ठीक है, और सीडीज वगैरह नहीं है, आई मीन और वीडियोस प्ले नहीं कर सकता मैं, दो स्क्रीन और ब्लैंक रह रही है नीचे वाली, मे भी नहीं प्ले कर सकता। ठीक है, तो वो जेनेटर जा रहा है, ठीक है, हाँ नहीं कर सकता मैं प्ले। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पूरा क्लियर है, सेकंड फ्लोर पे चलते हैं एंड वहाँ पे जो कुछ बाकी है वो देखते हैं। ठीक है, एक फ्लोर क्लियर कर दिया, कितना सेटिस्फाइंग लगती है ना जब सारी चीज़ें तुम एक अच्छे से स्मूथ प्रोग्रेस होती चली जाए एंड जितने भी फ्लोर्स हैं एक एक करके तुम सारे फ्लोर्स खाली करते जाओ। आई मीन हाँ अच्छे से चेक कर लो एंड कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए। कहाँ गया वो? आगे वो जा रहा। ठीक है, इस वाले रूम में चल पहले, क्योंकि यहाँ से मुझे वो की लेनी है और लाइटर जला यहाँ पे। ठीक है, लाइट यहाँ पे, हाँ यही वाला रूम है वो, मुझे लगा ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए। ये क्या है? फैकल्टी ऑफिस टू की। ओके, सो एक और कट सीन। आर यू लॉस्ट? नो नो आई डिडंट लीव बिकॉज आई एम वरीड अबाउट यू। नो आई वॉज लीविंग, या आई एम वरिंग अबाउट यू। यस यस अबाउट यू। You mentioned Jihyun earlier, right? Could you किस चीज, I mean क्या कैसी हेल्प चाहिए तुझे अभी? ओके, सो तू अपनी फ्रेंड को ढूंढना चाहती है। और अगर मैं तुम लोगों को एक सीधी सीधी सी बात बता दूँ तो ये जो लड़की है ये मेरी क्रश है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से स्टोरी नहीं पढ़ी थी, मुझे मालूम ही नहीं था ये लड़की है जो है वो मेरी क्रश है एंड इसकी जो फ्रेंड है उसमें कुछ गड़बड़ है। वो है सस्पिशियस लड़की, पता नहीं चल रहा वो कहाँ गायब हो रही है, कैसे हो रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ तो तेरी फ्रेंड इस टाइम पे क्या करने आई है और तू भी क्या करने आई है इस स्कूल में इस टाइम पे? और मैं भी पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ डायरी वापस करने आया हूँ उसकी, ठीक है, और कुछ नहीं। और तो मुझे इसके पीछे जाना है या फिर क्या सीन है? देखो मेरे पास फैकल्टी ऑफिस टू की की है, ठीक है ना, मैं क्या सोच रहा हूँ डायरेक्ट चल के ना ऊपर चेक करते हैं, छोड़ दो इसे। तो इस स्पीड से अगर ये चलेगी ना तो मैं कभी नहीं, आई मीन कब तक कंप्लीट करूँगा इस गेम को? रेंग रही है बिल्कुल। ठीक है, मैंने सोच लिया मैं जाने वाला हूँ ऊपर, ठीक है इसे छोड़ दो, ये आएगी अपने आप। वाह, मेरे से आगे चली जा रही है बिल्कुल, वैसे इतना धीरे धीरे चल रही है। इफ यू पास एंड डोंट नो इट्स अ घोस्ट आई विल ग्रैब स्टफ लाइक दैट With stuff, yeah, I do now. Well, I'm not sure. मैं sure नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है? Oh. Well, you will find out soon enough. Okay. फिर से इसके पीछे जाना है? Forget it, भाई उस लड़की को छोड़ दो, वो दिमाग खा रही है, इतना धीरे धीरे चल के आ रही है वो। Faculty office 2 check करो, चल के तुम सीधा। एक और cut scene. क्या है इसमें ऐसा? सो क्रीपी राइट? गूज़बम्स व्हेन अ घोस्ट पास थ्रू आवर बॉडी। सीरियसली ऐसे तो आई मीन तो तू ये कहना चाहती है कि जस्ट अभी हमारे हम दोनों की बॉडी से एक घोस्ट पास होके गया, आई मीन आर पार होके गया, ये चीज कहना चाहती है तू? और इस स्कूल में घोस्ट वगैरह हैं, ठीक है? इस लड़की को ये चीज़ अभी तक नहीं समझ आई, जब तुझे मैंने उस मॉन्स्टर से बचाया तुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा। Nobody ever found it. Okay. वो लड़की तो मुड़ ली भाई, पता नहीं कहाँ जा रही है, मुझे सीधा जाना है। उस लड़की को छोड़ो, तुम इधर वाला गेट है ये वाला, ठीक है इस पे आओ। क्या है यहाँ पे ऐसा? वो तो जा रही है, छोड़ दो उसे। और हाँ ये एक अच्छी चीज़ है, जब तक लड़कियाँ मेरे साथ हैं तब तक वो जेनेटर मेरा पीछा नहीं करने वाला, इट्स अ गुड थिंग। और इस रूम में और भी कुछ है क्या? आई मीन क्या है इस रूम में ऐसा? ये लड़की वापस कैसे आ गई? आई मीन ये लड़की उतना दूर थी और
ठीक है यार, ठीक है आ गई वो, ठीक है जेनिटर मेरा पीछा नहीं करेगा तब तक, ठीक है एक अच्छी बात है। सीडी आई मीन कैसेट, they are watching us to some day make us their next sacrifice, okay, even at this hour moment you are letting your imagination run wild, do you have any proof? Don't you think since we're locked in that kind of proves it? Yeah, इस लड़की को, इस लड़की पे मेरे को बहुत ज़्यादा शक हो रहा है। ये हर एक इस सिचुएशन में मिली है जहाँ पे ना एक अच्छी खासी आई मीन मॉन्सर्स वगैरह वो जो मेन बिल्डिंग वन में हमने काम किया था, ये लड़की उन पौधों को कुछ कर रही थी, आई मीन जो भी किया था इसने। ये लड़की है सस्पिशियस। बाय द वे स्टोरी में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे स्टोरी मालूम है इस बार। ओके हाँ तो तू जाना बात कर, मैंने तुझे कहा कुछ बोला, और ऑर्डर मत दे मुझे ठीक है ना, और अगर बाहर जाने का रास्ता मैं ढूंढूंगा भी तो सिर्फ अपने लिए ढूंढूंगा, तुम लोगों के लिए क्यों ढूंढूं मैं? क्रश है तेरी वो ठीक है ना, तुझे ढूंढना पड़ेगा उसके लिए भी, करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। क्या बात किया तुम लोगों ने? आई डोंट नो, पता नहीं इन लोगों ने क्या बात किया। बैक मास्क टेप ठीक है, कहाँ यूज होगी वैसे? दे लो उठा लो अभी। यहाँ पे और कुछ भी है, डॉक्यूमेंट स्टेट ऑफ द स्कूल रिपोर्ट। इनअप्रोप्रिएट रूमर्स इन स्कूल गेम्स लाइक फ्रीजर हंटिंग एंड बिकमिंग अ क्विक स्प्रेडिंग पैड अमंग द स्टूडेंट, बट दिस इज नो एवरेज फ्रीजर हंट, इट इज टू फाइंड द सीडी व्हिच बिलोंग्स टू द डिसीज्ड म्यूजिक टीचर हू कमिटेड सुसाइड ऑन स्कूल प्रीमाइसेस लास्ट ईयर। द रूमर इज दैट मिस्टर किम द म्यूजिक टीचर हैड लेफ्ट द सीडी बिफोर हिज डेथ व्हिच कंटेन्ड हिज लास्ट वर्ड एंड द सीक्रेट ऑफ द स्कूल। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट द क्लू मिस्टर किम हैज लेफ्ट आर बीइंग फाउंड पीरियोडिकली रेजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रूमर। दिस rumor has come to a point where it is disputing classes. Some students are even known to bet huge amount of money on this. All homeroom teachers are advised to be aware of the situation and to pay. Okay. Record document. To better encourage students to excel in mathematics, we are designating junior homeroom 7 as the new advanced mathematics class. For now on, top students in mathematics will receive maths lesson according to their level during 5th period. We ask all homeroom teachers to relay this announcement to their classes and submit a list of their qualifying studies by next week. That's it. All. Okay. इस रूम में और भी कुछ है? कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए जैसे कि की वगैरह मिल जाए मुझे ठीक है ना, देन थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते रहेंगे तो क्या ही होगा। यस डॉक्यूमेंट्स भी अगर मिलेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। टाइपराइटर मे बी मुझे इसमें मैराथन 10 TR टाइप करना है, बट स्टिल इसमें वर्ड्स गायब हैं, आई मीन ये बटन्स गायब हैं तो मैं टाइप नहीं कर सकता। और भी कुछ ये कंप्यूटर चल रहा है, अच्छा पिन था ओके। और इन ये जितने भी रेड कलर के पिन मुझे मिल रहे हैं क्या काम है इनका? ओके ये वाला रूम भी चेक कर लेता हूँ मैं। मे एक और डॉक्यूमेंट, अ नोट इन द फैकल्टी लॉन्च, गेट रिड ऑफ ब्रोकन स्टीरियो सिस्टम इन द म्यूजिक सप्लाइज रूम। द रूमर दैट ब्रोकन स्टीरियो प्लेस बाय इटसेल्फ इज कॉजिंग इवन मोर काओस इन द स्टूडेंट कम्युनिटी व्हिच इज ऑलरेडी इन दिस एरिया। द स्टूडेंट्स वुड नॉट एवर एंटर द म्यूजिक रूम सिंस इट इज बिलोंग टू जी वन किन हु केड हिमसेल्फ लास्ट ईयर पुट इन अवे विद द रेस्ट ऑफ हिज पर्सनल आर्टिफैक्ट्स इन द लॉस्ट एंड फाउंड रूम। ओके लॉस्ट एंड फाउंड रूम वो तो सेकंड फ्लोर पे है मैं, जो कि मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। और ये क्या है? साइंस लैब की। ओके सो साइंस लैब की में मुझे एक नोट मिला था जो कि मुझे याद है, वहाँ पे वाटर सप्लाई चालू है एंड यस सेकंड फ्लोर भी क्लियर कर दिया है मैंने। कितना सेटिस्फाइंग लगती है ये चीज़। फर्स्ट फ्लोर क्लियर है अपना, सेकेंड भी क्लियर है एंड अभी जस्ट मुझे जाके साइंस लैब चेक करना है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। एंड उसके बाद थर्ड फ्लोर भी क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे करके हम फोर्थ भी क्लियर कर देंगे एंड यहाँ से निकल जाएंगे। मैं धीरे धीरे करके सारे फ्लोर क्लियर तो कर दूँ, लेकिन ये जेनरेटर जब मेरा पीछा छोड़ दे तब तो सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लोर वगैरह करूँ। जैसे ही ये मेरे पास आ जाता है एकदम मुंह पे ही आ गया ये, बिल्कुल भाग पंकज निकल यहाँ से। वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो एकदम मुंह पे आ जाएगा मेरे एकदम से। ठीक है अभी यहाँ से निकल, पहले तो ऊपर चल। और ठीक है देखो अभी मेरे पास साइंस लैब की की है, सो मैं जाने वाला हूँ साइंस लैब चेक करूँगा पहले तो वहाँ पे मुझे मिलता क्या है, ठीक है ना वो चीज़ देखेंगे एंड उसके बाद देखते हैं और भी क्या है। यहाँ पे यही वाला गेट है ना, ये वाला है शायद, अच्छा हाँ ठीक है ये वाला गेट है। वो पीछे वाले गेट पे पता नहीं मेरे को अनलॉकिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे आता हूँ मैं लाइट्स ऑन कर। क्या है यहाँ पे?
सो उस नोट में बेसिकली लिखा है, पहले लाइट्स ऑफ कर देता हूँ मैं, तो मैं ये कह रहा था कि उन नोट्स में ये लिखा था कि यहाँ पे ना सिर्फ इसी लैब में, आई मीन इस साइंस लैब में वाटर सप्लाई चालू है। आई मीन क्या करना है मुझे, सब में नलके वलके चालू करके छोड़ देने हैं ऐसी, ताकि पूरा स्कूल पानी में डूब जाए, स्कूल डूब जाए पूरा। ये तो सपना ही रह गया है ना, ऐसे बम से उड़ाने का, अपने स्कूल को बम से उड़ाने का सपना सपना ही रह गया। कोई बात नहीं भाई, देखो मैं यहाँ पे यार एक चीज़ अच्छे से चेक कर रहा था, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी चीज़ मेरे से छूट जाए। और वो जेनेटर पता नहीं अभी जस्ट आता ही होगा वो, ठीक है, ढूंढते वगैरह ढूंढते हुए मुझे। और कुछ है यहाँ पे, ये क्या है, 10 ग्राम ऑफ वेट, ओके कहाँ यूज़ होगा। आई मीन अभी मेरे को 1 ग्राम ऑफ वेट भी मिला था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ऑन मार्च 15 अराउंड 9:50 PM देयर वाज़ अ फायर इन द होम इकोनॉमिक रूम एट वाई हाई स्कूल इन सियोल, किलिंग वन फीमेल स्टूडेंट, ओके द फायर डैमेज $100 वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं, एंड कॉज लिटिल स्ट्रक्चरल डैमेज, ठीक है इतना चलता है, लेकिन एक स्टूडेंट मर गई, दैट वाज़ नॉट फाइन, दिस वाज़ ओनली अ स्मॉल फायर दैट वाज़ पुट आउट इन मैटर ऑफ मिनट्स, द एक्सीडेंट हैपेंड राइट आफ्टर एंड ऑफ नाइट स्कूल्स और नाइट क्लासेस, सो मोस्ट स्टूडेंट्स वर आउट ऑफ बिल्डिंग, बट वन स्टूडेंट वाज़ इल व्हाइल वेटिंग फॉर हर मदर, सो वो लड़की अपनी मम्मी का वेट कर रही थी, इसकी वजह से शी वाज़ सफरिंग फ्रॉम अस्थमा एंड द पुलिस बिलीव्स दैट शी डाइड फ्रॉम अस्थमा अटैक ट्रिगर्ड बाय द सडन फायर, द अथॉरिटीज आर, सो पुलिस वालों को ये लगा कि वो अस्थमा अटैक से मर गई है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मुझे और आगे जाना है, मुझे बाहर चलना चाहिए, ठीक है। थर्ड फ्लोर पे एक म्यूजिक रूम भी है, मैं वो भी चेक करता हूँ, मेरे पास उसकी भी की है शायद, या फिर अनलॉक हो रखा है वो पहले से ही। अगर मुझे जहाँ तक याद है ना, मुझे की मिली थी म्यूजिक रूम की, सो चलते हैं। थर्ड फ्लोर पे हूँ मैं और चल रहा हूँ, ठीक है। मैं साइंस लैब से बाहर आने के बाद थोड़ा सा वो जेनेटर आ गया था, उसकी वजह से मैंने ना मुझे घूमना पड़ गया था, मैं फिर नीचे गया था एंड फिर ऊपर आया था, वो चीज़ दिखाने का कोई मतलब नहीं था, तो मैंने उसे कट कर दिया। अभी देखो आता हूँ मैं म्यूजिक रूम में, एंड यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे ब्लड गिर रहा है बे, ऊपर से कोई है ऊपर मेरे, मैं देखना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है अगर यहाँ पे कोई जंप स्केयर वगैरह हुआ ना और मैं ऊपर देखूँगा, मैं डरना नहीं चाहता, इस वजह से मैं नहीं देख रहा मैं। और यहाँ पे एक म्यूज़िक प्ले हो रहा है, इफ अगर मैं इसे ध्यान से सुनूँ तो ये म्यूज़िक मुझे इस पियानो में प्ले करना है, तब जाके कुछ होगा ऐसा, ठीक है। पहले तो ये एंड इसके बगल वाला, कैसे समझाऊँ मैं, जस्ट मैंने सुना, ठीक है, एंड अभी तुम देखो, होपफुली हो गया बे, यस। क्या तुम लोग ये गेस कर सकते हो मैंने कितने ट्राइज में इसे कंप्लीट किया होगा, तुम लोगों को सिर्फ मैंने एक बार में दिखा दिया कि मैंने ओपन कर लिया इसे, लेकिन नहीं, ये चीज़ ना मैंने बहुत बार करी थी, एंड एट द एंड मुझे पीस ऑफ पिक्चर पीस मिला पहला वाला, या ये चीज़ ना मैंने पियानो को बहुत बार प्ले किया था एंड मेरा मत्था घूम गया था इसमें, ठीक है ना। सॉय मिल्क भी मिल गया मुझे, आधे से ज़्यादा गेम फिनिश होने को आई है, जस्ट मुझे अभी हेल्थ रिस्टोरेशन के बारे में अभी ठीक से पता भी नहीं चला है, कैफीन किस चीज़ में यूज़ होती है एंड क्या होता है मुझे वो भी नहीं पता। एंड अगर तुम लोग ये स्लॉग के बारे में पूछो, जो पिक्चर पीस मिला था मुझे, उसके पीछे कोड लिखा हुआ था, सो मैंने देख लिया था। वो थर्ड भी मिल जाता है मुझे, ठीक है, अभी सिर्फ सेकंड वाली पिक्चर बाकी है ना, जो कि वहाँ नीचे लगेगी। यहाँ पे क्या है, अ सीडी इज इन द सीडी ट्रे, सो मुझे वो सीडी ग्रैब करनी है। ये क्या है, पेंडुलम, नहीं भाई, अगर यहाँ पे वेट्स वगैरह का कुछ काम होता तो ये ऑटोमेटिक यूज़ कर लेता ना, क्या ऐसे ग्रैब वगैरह नहीं कर सकता मैं अभी, तो मतलब इसका मतलब ये तो यही है कि मैं यहाँ, मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट चलो यहाँ से अभी, ठीक है। और भी कुछ है क्या यहाँ, लगता तो नहीं है मेरे पास, पीसो पिक्चर 1 है 3 है, जस्ट 2 मिसिंग है अभी, है ना, तो वो भी ढूंढना है अभी मुझे। यहाँ पे सीढ़ी का कुछ ना कुछ लग रहा है। थर्ड फ्लोर भी अपना क्लियर हो चुका है, जस्ट 8 रूम बाकी है एंड 8 सप्लाईज रूम बाकी है, तो या मेरा प्लान यही है कि मैं अभी जस्ट ऊपर चलूँ एंड 8 रूम भी चेक करके आते हैं अपन। सो उसके बाद भाई मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। अभी ये जो पिक्चर्स मिली हैं, वो पीस ऑफ पिक्चर सेकेंड पता नहीं कहाँ पे होगा, उसके बाद ना पहले मैं आ जाता हूँ नीचे जहाँ पे ये पिक्चर्स वगैरह लगानी थी मुझे। सो वही कह रहा हूँ ना मैं, अभी एक पिक्चर मिसिंग है यहाँ पे, ये जो यहाँ सेंटर में लगेगी, लेकिन पिछले एपिसोड में आई थिंक मुझे ये पिक्चर मिल गई थी, और कहाँ पे मिली थी वो चीज़ मुझे याद नहीं है अभी। सो थोड़ा सा दिक्कत है अभी यहाँ पे, अभी क्या, बाहर चलो पहले तुम, जेनेटर पता नहीं कहाँ घूम रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, उसे जाने दो, छोड़ दो उसे,
अभी मुझे वो पीस ऑफ पिक्चर चाहिए, अगर मिल जाए ना यार, इजी हो जाए मेरे लिए। फिर अगर मैं ये कंप्लीट कर दूंगा देन मैं वहाँ से जाके लॉस्ट एंड फाउंड रूम से वो वास उठा सकता हूँ, उसमें हमें आई थिंक मिलेगा कुछ, है ना, उस वास में। उसके बाद मैं वो सीडी प्ले कर सकता हूँ, ऐसा ही है, रिमोट मिलेगा बेसिकली उसमें। ये वाला लॉक भी अनलॉक कर रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे कोई कोड नहीं मिला है अभी तक, कोई क्लू भी नहीं मिला है। सो मैं अभी देखो सिर्फ ना मैं वो पिक्चर ढूंढ रहा था कि मुझे वो पिक्चर मिल जाए जैसे तैसे, एंड या हो जाए कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पे क्या है, लंच बॉक्स, ओके, पीस ऑफ पिक्चर टू। अगर मैं तुमको ये सही बताऊँ ना, मैंने चारों फ्लोर एक अच्छे तरीके से ढूंढे थे, कहीं नहीं मिला, जस्ट मुझे ये पीस ऑफ पिक्चर टू यहाँ पे मिला इस फोटो के ऊपर, एंड मैंने ध्यान नहीं दिया था। जब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती है ना तो बहुत। जेनेटर देख, तू इस रूम में मत आई हो, ठीक है, ठीक है, पीछे आ पंकज, टेबल के पीछे चल, टेबल के पीछे चल, ठीक है, मैं नहीं जाने वाला, मैं उठूंगा ही नहीं बिल्कुल, कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सेफ भाई, ठीक है। अब उसने गेट खोला, ठीक है ना, यहाँ से दिख रहा है, ऊपर से उसका हल्का सा दिख रहा है, गेट अभी खुला हुआ है, और बंद कर दिया उसने, गया वो, लाइटर ऑन कर, और यहाँ पे पिक्चर्स लगा, पिक्चर्स लगा, एंड उसके बाद चलते हैं अपन, वो वास लेके आएंगे, एंड दैट्स इट। जेनेटर तो गया, सो इन्हें असेंबल करना पड़ेगा मुझे, एक ऐसे, और ये वाला यहाँ पे रहेगा, एंड इसके बाद ये वाला भी ठीक से लगाना पड़ेगा एकदम, पर हो गया या सो अभी मैं जाके वो वास कलेक्ट कर सकता हूँ ना। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ मैन होल्डिंग अ वास, ठीक है। सो मुझे लॉस्ट एंड फाउंड रूम में जाना है, एंड वहाँ से वो वास लेके आना है। जेनेटर तो गया, सो चलते हैं अभी वो वास लेके आते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं क्या है। चलो, आई मीन इस गेम में डिफरेंट डिफरेंट एंडिंग्स है, एंड जो भी चॉइसेस मैं लूंगा ना इस गेम में, वो चीज़ अपनी एंडिंग को मैटर करेगी, आई मीन हाँ, उसी बेस पे अपनी एंडिंग होगी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें क्या है, आवाज़ फ्रॉम द म्यूजिक टीचर पोर्ट्रेट समथिंग, ठीक है, वास तो है मेरे पास, एंड उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस म्यूज़िक रूम में यहाँ से सीडी वगैरह लेने के लिए। फिर मैंने कहा ये मैं सीडी उठा नहीं पा रहा, फिर मैं अपना वास चेक करता हूँ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। यस, स्टीरियो रिमोट अभी मैं ले सकता हूँ, है ना, यस, सीडी मिल गई मुझे, एंड अभी क्या है इस पर, एक की मिली बे, म्यूज़िक रूम, आई म्यूज़िक रूम की कह रहा हूँ मैं, आर्ट रूम की है ये, मैंने अभी देखा नहीं उसे, ठीक है, अभी देखता हूँ, और तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, सीडी मैंने उठाई ली है, हो गया, एक बार चेक कर लेता हूँ वो की है कौन सी, या कौन सी की है ये, आर्ट रूम की, यस, हो गया। देखो थर्ड फ्लोर क्लियर कर चुका हूँ मैं, सेकंड भी क्लियर ही है, एंड फर्स्ट भी ऑलरेडी क्लियर हो रखा है, फोर्थ फ्लोर और क्लियर करना है मुझे, एंड दैट्स इट, इसके बाद हमारा काम हो जाएगा, अपन इस वाले बिल्डिंग से भी इजीली निकल सकते हैं। चलो सीधा फोर्थ फ्लोर पे मिलते हैं अभी अपन, चलो 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 चलो। लेकिन मेरे ना एक चीज़ नहीं समझ आई है अभी तक, आई मीन स्टोरी भी मुझे थोड़ी बहुत अच्छे तरीके से समझ आने लगी है कि वो लड़की है कौन, एंड इसकी जो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। हेलो बेबी, क्या कर क्या रहा है तू, ओ तेरी, गेट लगा लिया उसने, व्हाट इज हैपनिंग, क्या करना है अभी मुझे, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट रूम में चल, मुझे नहीं पता क्या हुआ यहाँ पे, जस्ट आर्ट रूम में चल पहले, तो देखा जाएगा जो भी होगा अभी। ये वाला गेट है, हाँ ओपन कर इसे, चलो लाइट्स ऑन कर पहले, तो यहाँ पे कुछ है भाई, मशीन्स वगैरह पड़ी है यहाँ पे, लाइट ऑन कर, ये डॉक्यूमेंट, आर्ट मिडटर्म एग्जाम का, अच्छा ठीक है, तुम कंप्लीट ऑन शेड्यूल, क्रिएट अ क्ले डॉल फॉर्मिंग का, डायरेक्शंस बिलो, मटेरियल यूज स्पेशल एजुकेशनल क्ले, परचेज एट स्कूल मेथड, नीड द क्ले टू फॉर्म अ सर्टेन शेप, ड्राई द कूल प्लेस, यूज इलेक्ट्रिक। तुम ये कहना चाह रहे हो कि जस्ट मुझे अभी एक डॉल क्रिएट करनी है इस छोरे के लिए, इस बेबी के लिए, तो करना क्या क्या पड़ेगा मुझे, एक ड्राई इन अ कूल प्लेस, यूज द इलेक्ट्रिक, क्लीन टू फायर इट, want it slowly under running water,
तो रनिंग वाटर तो वो साइंस लैब में मिलेगा मुझे, है ना। ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स, द डे डॉल्स अपीयरेंस एट कलर 60%, नीडिंग मेथड 30, एंड देन लास्ट वाला 20 था। तो मुझे डॉल लेके आनी पड़ेगी। यही मशीन है, इसमें मैं उस डॉल को क्रिएट करूँगा। और कुछ नहीं है, आई मीन वो सामने वाला रूम भी तो है ना, वो भी चल के चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ है, स्कूल कॉइन नहीं चाहिए मुझे अभी, मुझे सिर्फ एक अच्छी खासी सी एंडिंग दे दो अभी तुम। ओ तेरी, उसका साइज इंक्रीज हो गया बे उस बच्चे का। ओके, लॉस्ट एंड फाउंड रूम में की ये डॉल नीचे गिर के टूट जाती है। सो ठीक है, मैं समझा, मुझे ये वाली डॉल आई थिंक इसको ला के यहाँ पे देनी है, एंड इसमें इस मशीन में ला के डालनी है, एंड इसके बाद साइंस लैब में जाना है, वहाँ से जाके इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसको वापस ला के दे देनी है ना। इतना ही करना है, मेरे पास अभी 10 मिनट है, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा भैया। तो चलो 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 चलो, थर्ड फ्लोर पे था वो, यस थर्ड फ्लोर पे है। नहीं मैं साइंस लैब देख रहा था, मैं भी पता नहीं कहाँ था। लॉस एंड फाउंड रूम की नहीं रे, लॉस एंड फाउंड रूम इधर, ठीक है, लास्ट पे है इधर। चल, कई बातों मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें कि करना क्या है, ठीक है, मुझे मालूम होता है करना क्या है, लेकिन मैं बोलता कुछ और हूँ और करता कुछ और हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे डॉल मिल जाती है, ड्राई क्ले डॉल, ठीक है, लेके चल अभी से साइंस लैब में। नहीं नहीं नहीं, साइंस लैब में यहाँ ऊपर आठ रूम में लेकर चल, उस मशीन में डाल, और उसके बाद उस मशीन में जो भी कुछ होगा दिखा जाएगा। ये बच्चा बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा, बिल्कुल पूरा स्कूल हिला दे रहा है। मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ एंड पूरा स्कूल हिला दे रहा है। मेरे पास स्कूल पॉइंट है तो मैं सोचो कैप्टन वगैरह ले लूँ वहाँ से। आई हैव नो कॉइंस, गाना मैंने, ठीक है, सो मैं कुछ ले लूँगा, यूज कर लेता उसका कैप्टन लेने का। मैं सोच रहा था क्योंकि अभी भी इसका सर ऐसी घूम रहा है, लेकिन कॉइंस नहीं थे मेरे पास, मैं कैप्टन भी ले लेता। चलो पर स्टक मत हो कहीं पे, ठीक है, यही रहा फोर्थ फ्लोर, यस। चल अभी आठ रूम में जो उसका पीछे वाला कमरा भी है, वो भी अभी एक्सप्लोर करना बाकी रह रहा है, लेकिन उस वाले रूम में अभी वो बेबी है तो मैं जा नहीं सकता, जब तक मैं उसे वो डॉल दे दूँ। ये वाला गेट है ना, मैं अभी यहाँ आगे से भी चले जाता हूँ, क्या कराई कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, इधर डाल, इस डॉल को डाल इसमें, ओपन करना इसे। हो गया, कितना टाइम ले रहा है भाई ट्रांजेक्शन्स में। ये डॉल मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है, एंड अभी क्या होगा, व्हाट इज गोइंग ऑन भाई, क्या हो रहा है, देखते हैं क्या होता है अभी इस डॉल के साथ। आई मीन उसका कोई अच्छा सा सर्टेन शेप वगैरह आएगा। वैसे की वैसे ये बे फायर्ड क्ले डॉल, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसको थोड़ा सा जस्ट हीट अप कर दिया है, एंड बस मुझे जाना है, इसको वाटर में डुबोना है, बस पानी में डुबो दो इसे और ला के चिपका दो इस बच्चे को, उसके बाद देखते हैं होता क्या है। एंड उसके बाद यूज द इलेक्ट्रिक नील टू फायर इट। कूल प्लेस, कहाँ से लेके आऊँ मैं कूल प्लेस, जो है अभी रूम टेम्परेचर यही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ है, डॉक्यूमेंट, इट्स अ वैलेंटाइन डे, ही सीम्स लाइक टू एंजॉय द चॉकलेट्स इवन दो वगैरह वगैरह, ठीक है। नहीं पढ़ रहा मैं, मेरे पास मेरा टाइमर चल रहा है, अगर मैं उसे पढ़ने बैठ गया ना तो टाइम निकल जाएगा। ये पूरा आई मीन जस्ट एक हाथ से पूरा स्कूल हिला दे रहा है बे, सस्पिशियस, क्रीपी है भाई। ठीक है, मुझे सिर्फ साइंस लैब में जा रहा है ना, अभी थर्ड फ्लोर पे है जो कि, चलते हैं साइंस लैब में चलते हैं एंड वाटर वगैरह से इसे ठंडा करते हैं, एंड उसके बाद इसको ला के दे दूंगा मैं ये डॉल। उसके बाद मेरा काम हो जाना है ख़त्म, एंड उसके बाद मे भी मुझे एक अच्छी खासी एंडिंग देखने को मिले, या फिर मैं नहीं, एंडिंग तो नहीं आएगी आई थिंक, क्योंकि अभी दो रूम और बाकी रह रहे हैं, आई मीन दो बिल्डिंग्स और बाकी रह रही है, एक न्यू बिल्डिंग है एंड एक और है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कौन सी है वो। जब तक मैं वो दोनों भी कंप्लीट नहीं करूँगा एंडिंग नहीं मिलने वाली मुझे। और सच में मुझे जितनी भी 10 एंडिंग्स हैं, 10 की 10 एंडिंग्स देखना चाहता हूँ मैं, तो हर एक बार मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि हो जाए एंड। अभी किस पे डालना है मुझे, कौन से वाले पे डाल रखना है, इधर नहीं इधर, ठीक है, प्लेस कर इसको यहाँ पे, वाटर, ठीक है। सो इसका कलर चेंज हो गया इस डॉल का, फिनिश्ड क्ले डॉल, ठीक है। तो अभी ले जाके मैं उसे दे दूँ ना, हो जाएगा उसके बाद काम। चल 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 फटाक से चल, बिल्कुल मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है भाई, आई मीन इतना टाइम दे रखा है इन लोगों ने, इतने में तो मैं ये चीज़ चार बार कर दूँ अगर सिर्फ इतना ही करना है तो। चलते हैं, आगे वाला है ना, ये वाला डोर नहीं है, ये वाला है। चल, और क्या करना है अभी, उसको दूँ कैसे मैं, लेकिन जैसे उसके पास जाके खड़ा हो जाओ, ठीक है। सो ये डॉल पकड़ तू अपनी, कहती मेरे को उठा के ले देंगे, क्या हो रहा है, मैजिक,
कुछ तो हुआ। सो अभी सब कुछ नॉर्मल है। वो चला गया क्या वो बेबी? लाइट्स ऑन कर। ओके सो मदर एंड बेबी क्लेड ऑल खुश हो गए दोनों। दोनों के चेहरे पे तुम खुशी देख रहे हो और वो छोरा भी खुश हो गया बिल्कुल। और ये वाला टोकन भी मिल गया मुझे सो जिसके जरिए मैं दूसरे बिल्डिंग में जा सकता हूँ। चले वो चलते हैं सेकंड फ्लोर पे एंड वहाँ से निकलते हैं। या आज के एपिसोड में भी भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे, ठीक है ना। और जितने भी पजल्स वगैरह थी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये सारी चीज़ें पजल्स में ना मुझे वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी जो ऐसा कोरियन एंड उस लैंग्वेज जापानीज लैंग्वेज में लिखा था। वो वाली पजल्स थोड़ी सी अनोइंग सी लगी थी मुझे कि यार मैं कैसे सॉल्व करूँगा, बट ठीक है गूगल की हेल्प लेके थोड़ी बहुत कर दी मैंने सॉल्व। क्रेडिट गोज टू गूगल। एंड यहाँ पे ये वाला टोकन लगा। यस न्यू बिल्डिंग जो आने वाली है अभी, ठीक है। ऑफकोर्स मैं न्यू बिल्डिंग में जाने वाला हूँ यहाँ से इस वाले गेट से। सो एक और कट सीन, ठीक है। ये वाला कट सीन हम नेक्स्ट एपिसोड में भी देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप तुम लोगों को गेम प्ले वीडियो में मज़ा आया होगा। और या ऐसे एपिसोड्स एंड ऐसी गेम प्ले वीडियोस देखने तुम लोगों को पसंद है ना, जाके अभी के अभी सब्सक्राइब मार लो। लीव अ लाइक इफ यू एंजॉयड द वीडियो। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले बाय। तुम देखना चाहो तो ये वाला कट सीन देख सकते हो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know.